दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में बदलाव किए हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि आखिर हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने इस स्वरूप में कैसे आया। दोस्तों, भारतीय ध्वज का पहला संस्करण वर्ष 1904 में सिस्टर निवेदिता द्वारा डिजाइन किया गया, जो कि स्वामी विवेकानंद की एक शिष्य थी। उसके बाद आया कलकत्ता फ्लैग। दोस्तों, कलकत्ता फ्लैग भारत के पहले अनौपचारिक झंडों में से एक था। यह सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो द्वारा डिजाइन किया गया था और 7 अगस्त 1906 को बंगाल विभाजन के विरोध में बहिष्कार की पहली बरसी पर पारसी बगान स्क्वायर कलकत्ता में फहराया गया था। कलकत्ता ध्वज के आधार पर 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में बीकाजी कामा द्वारा भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया गया। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इस पर सवाल आते हैं। दोस्तों, होम रूल आंदोलन का एक अलग झंडा था, जिसे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक डोमिनियन की स्थिति की मांग के लिए प्रतिपादित किया था। कोयम्बटूर के एक मजिस्ट्रेट ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बाद लोगों को राष्ट्रीय ध्वज का महत्व समझ में आया। अप्रैल 1921 में मोहनदास करमचंद गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में एक भारतीय ध्वज की आवश्यकता के बारे में लिखा, जिसमें केंद्र में चरखा या चरखा के साथ एक ध्वज का प्रस्ताव था। यह झंडा 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में पेश किया गया। वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में एक मील का पत्थर था। तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यह ध्वज जो वर्तमान का अग्रभाग है, केंद्र में महात्मा गांधी के चरखा के साथ केसरिया सफेद और हरे रंग का था। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था और इसकी व्याख्या भी इसी प्रकार की जानी थी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। ध्वज का प्रतीक के रूप में चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को अपनाया गया था। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का झंडा अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा बन गया।